जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री, जिसको बड़मावस बोला जाता है, उसकी व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, संयोग, व्रत के नियम और पूजा विधि, ये सब भी जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत मुहूर्त। तो हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इस बार ये व्रत 19 मई को रखा जाएगा। हालांकि अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई 2023 के दिन गुरुवार की रात्रि 9:42 से हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 19 मई की रात्रि 9:22 पर होगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 19 मई को ही रखा जाएगा। उदया तिथि क्या होती है? वो दिन जिस दिन सूर्य निकलता है, वही तिथि मानी जाती है। वट सावित्री व्रत कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इसी वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूम्त सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार भी कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं टिकी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग किया, अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती नहीं। सावित्री की निष्ठा और पति प्रायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दे दी, उसका खोया हुआ राज्य दे दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा कि वह लौट जाएं। लेकिन सावित्री लौटे तो लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर जो चाहे मांगना चाहे मांग लो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। यम ने भी बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। वट सावित्री के दिन क्या शुभ संयोग बन रहा है, जान लेते हैं। वट सावित्री के दिन शनि अपनी स्वराशि कुंभ में होंगे, जिससे शश नामक राजयोग बनेगा। इसके अलावा इस दिन सिद्धि योग भी रहेगा।
इस दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में होंगे, जिससे गज केशरी योग बनेगा। इन सब स्थितियों में वट सावित्री का व्रत रखना बेहद शुभ और फलदायी होगा। इसके साथ ही शनि देव की कृपा भी बनी रहेगी। वट सावित्री व्रत के नियम और पूजा विधि क्या होगी जान लेते हैं। यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रहे हैं तो 19 मई को सबसे पहले स्नान के बाद लाल रंग की साड़ी पहनें और श्रृंगार आदि कर लें। इसके बाद पूजा घर और वट वृक्ष के नीचे पूजा स्थान की साफ सफाई करें। फिर उसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। दो बांस वाली टोकरी लेकर एक में सप्त धान्य यानी कि 7 प्रकार के अनाज भर लें और उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति को स्थापित कर दें। दूसरी टोकरी में भी सप्त धान्य भरकर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापित करें। तस्वीर भी रख सकते हैं और इस टोकरी को पहली टोकरी के बाईं तरफ रखें। इसके बाद इन दोनों टोकरी वट वृक्ष के नीचे ले जाकर के स्थापित कर दें। अब विधि विधान से पूजा करें और पूजा के समय वट वृक्ष की जड़ को जल अर्पित करें और उसकी चारों ओर 7 बार कच्चा धागा लपेटें। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर पहनें और वट सावित्री व्रत कथा जरूर सुनें। वहीं चने का बायना और कुछ पैसे अपनी सास को देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा फल अनाज कपड़ा आदि एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करें। मान्यता है कि इस व्रत का पारण 11 भीगे हुए चने खाकर किया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन वट सावित्री व्रत की और इसके साथ ही साथ कथा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब